بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 योर सब्जेक्ट इज जनरल साइंस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 9 द हेडिंग ऑफ द यूनिट इज वेव्स एंड एनर्जी Students, we will discuss about this unit in some steps. Number one, reading, explanation, exercise, which includes MCQs, fill in the blanks, short question answers, and much more material. So open your book, page number 103. Have you opened your books? Okay, let's start. Student, first of all, हम discuss करेंगे heading के बारे में. Students, heading है waves and energy. Students, waves कहते हैं लहरों को और energy कहते हैं तवानाई को. Waves किसे कहते हैं? लहरों को. और एनर्जी कहते हैं तवानाई को. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग वेव्स और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं. व्हाट आर वेव्स? व्हाट इज वेवलेंथ? इज द साउंड वेव सिमिलर टू लाइट वेव? स्टूडेंट्स, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमें तभी पता चलेंगे जब हम लोग रीडिंग में पढ़ेंगे. जब हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो तब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स. यहाँ पर जो हमने इस चैप्टर में या इस यूनिट में पढ़ना है वो क्या है? सबसे पहले डिफाइन अ वेव, कि वेव क्या होती है. कंपेयर द टाइप्स ऑफ वेव. यहाँ पर हमारे पास जो टाइप्स बताई गई हैं वेव्स की वो पढ़ेंगे हम, जिसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं विद डेली लाइफ एग्जांपल्स. डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स. आइडेंटिफाई वाटर वेव एंड साउंड वेव एज मैकेनिकल वेव, जिसमें लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगा. डिफाइन द टर्म्स वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव. देन डिफाइन एंड रिलेट पिच एंड फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी.
Explain the factors affecting pitch and loudness of sound. Compare and interpret waveforms in terms of pitch and loudness. Construct the inverse relation between time period and frequency. Relate common phenomena, for example, echo, hearing thunder after seeing lightning, to the properties of sound. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे वो साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी एनर्जी के टाइप्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, और इन्हीं की ही आगे हम फर्दर टाइप्स अपने प्रीवियस यूनिट्स में डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन जो इसमें हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे वो कौन सी एनर्जी है? साउंड एनर्जी है, ठीक है. स्टूडेंट्स, यहां पर आपको वोकैबुलरी दी हुई है जिसमें सबसे पहले जो बताया गया है वो मैकेनिकल वेव्स के बारे में बताया गया है. तो सबसे पहले देखें वेव्स होती क्या है. तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट अपने रीडिंग. सो ओपन योर बुक पेज नंबर 104. स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले जो बात बताई गई है वो ये है, रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न्ड. जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं. जैसे साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. स्टूडेंट्स, साउंड जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, और आपको पता है कि जितनी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे हमारे पास है गिटार, ठीक है, ड्रम, और कोई भी बॉडी जब आप उसको स्ट्राइक करें या उसके ऊपर हिट करें तो वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो एनर्जी है. एक साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इसी तरह आपको पता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए. सॉरी, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उसको मीडियम नहीं मिलेगा तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा. स्टूडेंट्स, जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए देख सकते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं तो उस दौरान अगर आप अपने मुंह के आगे हाथ रख लेंगे तो आपकी आवाज़ और जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स हैं वो वहीं पर स्प्रेस हो जाएंगे, और आपकी आवाज़ आपके हाथ की वजह से आगे नहीं पहुंच सकेगी. तो आप ये करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो साउंड है उसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. सो इसलिए ये आपने याद रखना है कि साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल थ्रू, ठीक है. स्टूडेंट्स, इसी तरह जैसे नॉइस पोल्यूशन है, शोर, जैसे हम पोल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स पढ़ते हैं तो उसमें जैसे एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इसी तरह नॉइस पोल्यूशन है. नॉइस का मतलब क्या है? शोर. तो स्टूडेंट, इसी तरह नॉइस पोल्यूशन में देखें आप, नॉइस पोल्यूशन क्या है, ये इसके अंदर कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है. स्टूडेंट्स, नॉइस पोल्यूशन में हमारे पास अनप्लेजेंट साउंड होता है जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. अब नॉइस पोल्यूशन में जैसे फॉर एग्जांपल आप चेयर को ड्रैग कर रहे हैं, बार्किंग ऑफ डॉग, इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती, जो शोर पैदा कर रही हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन. और नॉइस क्या? अनप्लेजेंट साउंड है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमें आपके यूनिट में स्टार्ट पे बताया गया था वो यही कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं साउंड के बारे में. तो आपको पता है कि साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है. जैसे आप बोल रहे हैं तो आपके बोलने के दौरान अगर आप अपने मुँह के आगे हाथ रखें तो आपको फील होगा वाइब्रेशन. इसी तरह अगर आप अपने गले के ऊपर हाथ रखें बोलते वक्त तो आपको यहाँ से भी वाइब्रेशन फील होगी, क्योंकि ये जो हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं साउंड. स्टूडेंट्स, इसके बाद आपकी एक्टिविटी में 9.1 असेसमेंट दी हुई है.
हम वन बाय वन चलेंगे. स्टूडेंट्स, इसमें हमें करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में बताया गया है. सो लेट्स सी. असेसमेंट है 9.1. इस असेसमेंट में अगर आप देखें पेज नंबर 104 पर फर्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट है? तो स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इन एयर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है 300 मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट्स, आप जो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आप इसको ठीक कर कर लिख लें, 300 मीटर पर सेकेंड. ये फर्स्ट का आपने लिखना आंसर. सेकेंड है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तो जो सेंटर वाला कॉलम है उसमें आप सी लिख लें, इनकरेक्ट को आपने करेक्ट करके इस तरह लिखना है. स्टूडेंट्स, उसके बाद है स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज 5000 मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट, स्पीड ऑफ साउंड आयरन में कैसा है? 5000 मीटर पर सेकेंड. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो साउंड है वो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होता है या उसकी कैपेसिटी है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा है. जैसे आपके पास आयरन है, स्टील है, आप उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, क्योंकि ये सारे मैटर हैं. और आप सब जानते हैं कि जो मैटर है उसकी 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप देखें तो जो साउंड है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में, देन लिक्विड एंड गैस. तो सबसे ज्यादा जो कम प्रोड्यूस होगा वो गैस में होगा. लास्ट है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है. तो आप इसकी करेक्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. साउंड वैक्यूम या खला में ट्रेवल नहीं करता, क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है. और ये वैसे भी प्रोड्यूस तब होता है जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से, यानी वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है. तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट इस वजह से है क्योंकि जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए एक तो मीडियम चाहिए और वो वाइब्रेशंस की मदद से ट्रैवल करता है. स्टूडेंट्स, ये तो वो पोर्शन था जो हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं. अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वेव्स, जिसको हम कहते हैं लहरें. स्टूडेंट्स, इसकी बहुत अच्छी सी एग्जांपल जो कॉमन भी है वो ये है कि आपके पास एक पॉन्ड है, ठीक है. पॉन्ड किसे कहते हैं? तालाब को. और आप उसमें एक पत्थर या कोई कंकर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो पत्थर या कंकर के फेंकने की वजह से उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है. बेसिकली वेव्स क्या है? डिस्टर्बेंस. तो स्टूडेंट्स, डिस्टर्बेंस पानी में क्रिएट हो जाती है जब आप पत्थर या कोई चीज फेंकते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस है उसके ऊपर लहरें, जिसे यहां पर जो टर्म यूज की गई है वो रिपल यूज की गई है, जिसे हम लोग कहते हैं लहरें. तो जब आप पानी में पत्थर या कोई कंकर फेंकेंगे तो उसमें यू डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और उसमें यू लहरें पैदा हो जाएंगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेव्स या रिपल. अगर आप देखें कि आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है,
या कोई टब है तो आप उसमें अगर एक फिंगर को भी डिप करेंगे तो उससे भी पानी में डिस्टर्बेंस पैदा होगी और उस डिस्टर्बेंस को हम लोग वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव्स। स्टूडेंट्स, इसकी वजह से ही होता है कि जो वेव्स हैं वो तमाम डायरेक्शन में फैल जाती हैं। जब हम किसी भी पेबल को या कोई स्टोन हिट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ना वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। किस तरह? अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव करते हैं। जैसा कि आप अपनी पेज नंबर 105 में फिगर 9.2 में देख सकते हैं कि वेव्स किस तरह वाटर सरफेस के ऊपर आपको नजर आ रही हैं। स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम साउंड की बात करें, साथ ही उन्होंने पिक्चर जो फिगर है 9.3 उसमें बताया है कि जब आप क्लैप करते हैं, ठीक है, क्लैपिंग मीन्स ताली बजाना, तो उससे क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हवा के हैं उनमें वाइब्रेशन पैदा होती है और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये वेव्स और एनर्जी में जो हम साउंड पढ़ रहे हैं, साउंड एनर्जी, वो दोनों हम लोग साथ साथ इनको लेकर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया कि वेव्स क्या है? डिस्टर्बेंस है बेसिकली जब आप पानी के अंदर कोई चीज फेंकते हैं या पानी में आप पत्थर को हिट करते हैं, पेबल या स्टोन या फिंगर, तो उससे पानी में डिस्टर्बेंस पैदा होती है जिसे हम लोग वेव्स यानी कि लहरें कहते हैं और उसको रिपल भी कहा जाता है, इसका मतलब भी लहरें होता है। स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमारी वेव्स की टाइप्स को डिस्कस किया गया है वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स। स्टूडेंट्स, दो टाइप्स हमने अभी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। तो स्टूडेंट्स, फर्दर इनकी डिटेल आगे भी बताई गई है लेकिन यहां पर टाइप्स ऑफ वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो जो पहली टाइप है वो है मैकेनिकल वेव्स। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है। इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो है साउंड वेव्स। सिंपल, इनकी एग्जांपल्स में क्या आएगा? साउंड वेव्स। क्योंकि इनको मूव करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए जिसकी वजह से वो ट्रैवल कर सके, तो उन्हें कहते हैं हम मैकेनिकल वेव्स, जैसे साउंड वेव्स हैं। क्योंकि साउंड को भी मूव करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। और ये कब प्रोड्यूस होगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और आपके पास मीडियम होगा जिसके जरिए ये वेव्स ट्रैवल कर सकें, उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। स्टूडेंट्स, अब सेकंड देखें, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। अब स्टूडेंट्स, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं है ट्रैवल करने के लिए, जैसे लाइट वेव्स हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है लाइट वेव्स। इसके लिए आपको कोई मीडियम नहीं चाहिए कि ये ट्रैवल कर सकें, इसलिए इनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, इसी तरह मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टाइप्स आगे बयान की गई हैं, जिसमें हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले मैकेनिकल वेव्स के की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
जो दो बताई गई हैं यहाँ पे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? बुलंद, ऊंची। ट्रांसवर्स तिरछी या आड़ी। हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। ये वो वेव्स के पार्टिकल्स हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर। इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल जहां पर बन रहा होता है, तो इनकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर। तो ये वो वेव्स हैं जो मूव करती हैं परपेंडिकुलरली, इन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग वगैरह है, आप उसे स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने की वजह से जो उसमें वेव्स पैदा होती हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। और स्टूडेंट्स, इन्हीं के दरमियान में जब ये वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं तो इसमें क्रेस्ट और ट्रफ्स बन रहे होते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ्स। क्रेस्ट ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला हिस्सा है ट्रफ, क्योंकि क्रस्ट का मतलब भी ऊंचाई या बुलंदी कहलाता है। तो स्टूडेंट, ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी हैं? जिसमें आपकी वेव्स परपेंडिकुलरली मूव कर रही हैं और उनका जो मीडियम है वो क्या है, जिसमें वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है परपेंडिकुलरली। और स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास सिंपल एग्जांपल है कि आप इसमें किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करें तो उसमें जो वेव्स पैदा होंगी उनमें हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ पैदा होगा, जैसा कि आप सामने बोर्ड पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव का उसे हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ट्रफ। ये देखिए, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसे हम क्या कहेंगे, क्रेस्ट, और ये लोएस्ट है, इसे हम कहेंगे ट्रफ। तो आपने ये इन्हें याद रखना है डेफिनेशंस के तौर पर भी। मैं रिपीट कर रही हूं, ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, कि जब आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो वेव्स पैदा होंगी वो इस तरह की पैदा होंगी जिसमें परपेंडिकुलरली पैदा होंगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन इन वेव्स के दौरान हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ दो फॉर्म आएंगे। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे हम क्रेस्ट कहेंगे और जो लोएस्ट पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रफ। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन है। स्टूडेंट्स, जब जो कंप्लीट वेव है, साइकिल, वेव साइकिल जो है कंप्लीट जब होता है तो उसमें हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ दोनों बनते हैं। एक जगह पे वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, दूसरी तरफ वो लोएस्ट पॉइंट पर भी है। तो आपने ये याद रखना है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं उनमें जब वो अपना वेव एक साइकिल कंप्लीट करती है तो उसमें हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ दोनों बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव्स जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पर प्रोड्यूस होती है। कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? सॉलिड और लिक्विड में, उन्हीं में ही हमारे पास क्रेस्ट या ट्रफ जो है दो फॉर्म्स आएंगे। इन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक्टिविटी 9.2 भी है जिसमें स्पाइरल स्प्रिंग है आपके पास, जिसको हम लोग स्लिंकी स्प्रिंग भी कहते हैं। तो जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो इसमें भी आप देखें आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होंगी, यानी जो डिस्टरबेंस आप इसमें देखेंगे वो ट्रांसवर्स वेव्स की होंगी। जैसे आपके पास स्ट्रिंग है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की वेव्स इसमें पैदा होंगी, यानी जो डिस्टरबेंस उसमें आएगी वो इस तरह की है। इसमें भी आप देख सकते हैं लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट भी है, लोएस्ट पॉइंट भी है, जिसे हम लोग क्रेस्ट और ट्रफ कहते हैं।
तो ये आपकी एक्टिविटी में भी बताया गया है. नेक्स्ट कम्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो पार्टिकल्स हैं जो मूव करते हैं पैरेलल, यानी के मुतवाजी. ठीक है, जैसे आपके पास इसकी भी एग्जांपल यही है कि स्ट्रिंग है, तो इसमें जब आप उसको किसी टेबल पर रखें या आप उसको एक जगह पे फिक्स कर देते हैं और उसके बाद आप उसको पुश या पुल करते हैं, तो आपने देखा है कि किसी जगह पे वो कंप्रेस हो रही है और दूसरी जगह पर वो रेयर फैक्शन में आ रही है, यानी वापस अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आ रही है. जैसे देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, और इसमें हमारे पास जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह की है, जिसमें जो वेव्स हैं उनमें जो डिस्टरबेंस पैदा होती है वो पैरेलल है. तो स्टूडेंट्स देखें, जो आपको ये गैप नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं रेयरफैक्शन, और जहां पर ये आपको कंप्रेस होती नजर आ रही है उसे हम कहते हैं कंप्रेशन. यानी जब आप किसी भी स्प्रिंग को एक जगह पे अटैच करके, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बोर्ड है और मैं यहां पर स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है, अब जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूंगी या खींचूंगी तो आप देखेंगे कि कहीं जगह पर स्प्रिंग जो है स्पाइरल स्प्रिंग, कहीं जगह पर वो कंप्रेस होगा और कहीं पर वो रिलैक्स होगा. जहां पर वो कंप्रेस है, अंडर प्रेशर है, उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, दबाव. और जहां पर आपको ये स्पाइरल्स कम नजर आ रहे हैं, यहां पर आपको स्पेस ज्यादा नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं रेयर फैक्शन. स्टूडेंट्स, ये मैं लॉन्गिट्यूडनल के बारे में आपको बता रही हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास जो वेव्स हैं वो पैरेलल पैदा होंगी, यानी मुतवाजी. कैसी हैं? पैरेलल, जिसका मतलब होता है मुतवाजी. ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें आप एक स्प्रिंग की एग्जांपल देख सकते हैं कि कहीं पर आपको ये कंप्रेशन यानी कि दबाव नजर आएगा और कहीं पर आपको ये एरिया इतना स्मूथ नजर आएगा और खुला, जिसे हम रेयर फैक्शन कहते हैं. और स्प्रिंग के स्ट्रेच करने की वजह से, कंटिन्यूटी की वजह से आपको ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन इसके अंदर नजर आएगा. जैसा कि आप एक्टिविटी 9.3 में देख सकते हैं कि आपके पास स्लिंकी स्प्रिंग है. तो स्टूडेंट्स, स्लिंकी का मतलब स्पाइरल होता है. यहाँ पे आपने उसको एक रिजिड सपोर्ट देनी है और उसके बाद आपने उसको पुश और पुल करना है. ठीक है, जैसे ही आप उसको पुश करेंगे आप देखेंगे कि वो मुसलसल मूव करेगा और करने की वजह से हमें वहां पर कंप्रेशन और रेयर फैक्शन दोनों कंडीशंस नजर आएंगी. तो स्टूडेंट्स, इसकी वजह से क्या होगा कि आप उसको सडन कंप्रेस्ड करेंगे या सडन पुश करेंगे तो हमारे पास दोनों मूवमेंट उनकी नजर आएंगी. कि कहीं पर जो है आप देखेंगे कि कॉइल के टू एंड फ्रो मूव करने की वजह से कंप्रेशन है और कहीं पे मोशन ऑफ वेव्स आप देखेंगे जहां पर वो कंप्रेस हो रही हैं और रिलैक्स हो रही हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल इसी तरह आप साउंड वेव्स को देखें. जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम वेव्स और एनर्जी दोनों को साथ साथ डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स को डिस्कस किया, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो स्टूडेंट्स, अब हम साउंड के बारे में जानते हैं. साउंड वेव्स जो है ना वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. आपके पास यहां पर भी एक्टिविटी है 9.4. आपने क्या करना है, फिक्स अ लिट कैंडल इन फ्रंट ऑफ वाइब्रेटिंग कॉन ऑफ अ लाउड स्पीकर. जैसा कि फिगर में बताया गया है कि आपने क्या करना है, एक मोमबत्ती है उसको जलाकर रखना है और आपके पास एक वाइब्रेटिंग कॉन है. ठीक है, अब क्या है, द वाइब्रेटिंग कॉन जो है उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली लाउड स्पीकर जो है वो प्रोड्यूस करेगा साउंड, और आप देखेंगे कि जो फ्लेम है कैंडल का वो फ्लिक करेगा बैक एंड फोर्थ. फ्लिक का मतलब है झूलेगा, मतलब आगे पीछे मूव करेगा, जैसे हवा की वजह से अक्सर होता है ना कि फ्लेम आगे पीछे मूव कर रहा है. तो इसमें क्या है कि जो आपके पास कैंडल का फ्लेम है वो कभी इधर और यहाँ मूव करेगा जब लाउड स्पीकर में से साउंड प्रोड्यूस होगा.
तो स्टूडेंट्स कैंडल जो है वो फ्लिक करेगी बैक एंड फोर्थ, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है लाउड स्पीकर में। और हमारे पास कंक्लूजन क्या आएगा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं हवा में वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं। तो इससे ये बात हमें पता चल गई कि जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेशन है यहाँ पर, ये रेयरफेक्शन है, ये रेयरफेक्शन है। तो स्टूडेंट्स इस लिहाज से साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह ट्रैवल करती हैं। और इनके ये ट्रैवल करने का तरीका है जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी से हमें ये बात पता चल गई, हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि जो वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहलाती हैं। तो इनकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी वो मैंने आपको एक्टिविटी के जरिए समझा दी है। स्टूडेंट्स आपने इनको अच्छे तरीके से रिकॉल करना है, जिसमें वेव्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वेव्स और मैकेनिकल वेव्स की जो दो टाइप्स आपको पढ़ाई गई हैं, जिनमें आपके पास है ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन दोनों को आपने कवर करना है अच्छे तरीके से। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।